गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 में साझेदारी विषय प्रवेश में क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ए बी और सी दो तीन अनुपात दो अनुपात चार के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। वे पूंजी खाता स्थिर पद्धति से रखते हैं। डी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। डी पूंजी बेटे 70,000 और ख्याति बेटे 30,000 उकड़ लाता है। डी के प्रवेश के समय पीढ़ी की पक्की दलपट में ख्याति 45,000 से दर्शाया गया। डी के प्रवेश के समय पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया गया। ए बी सी और डी का नया लाभानी का अनुपात 1:1:1:1 मतलब समान निश्चित किया। बराबर, तो हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो अनुपात दिए हैं वो लिख देंगे। तो नहीं पुराना अनुपात सबसे पहले लिखेंगे पुराना अनुपात ए बी सी 3:2:4। इसके बाद नया अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 1:1:1:1। यहाँ पे सबसे पहले हम त्याग का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। पुराना भाग है ए का 3 3 2 5 4 9 3/9 माइनस 1/4 तो 12 - 9/36 3/36। बी 2/9 माइनस 1/4 8 - 9/36 तो -1/36। तो ये लाभ प्राप्त कर रहा है, त्याग नहीं दे रहा है। बराबर सी 4/9 माइनस 1/4 4 - 9/36 नहीं 4 16 16 16 - 9/36 तो 7/36। ओके, तो त्याग का प्रमाण आया तीन अनुपात। इसके बाद लिखा है साझेदार डी पूंजी पेटे 70,000 और ख्याति पेटे 30,000 उकड़ लाता है और ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 से किया गया। तो उस पर से बी के हिस्से की ख्याति ज्ञात करेंगे उसके लाभ के अनुसार। तो बी के हिस्से की ख्याति एक लाख अस्सी हजार गुणा
एक बटे में 36। पाँच ये जो लाभ है उस हिसाब से। इसके बाद डी के हिस्से की ख्याति, एक लाख 80,000 गुणा एक बटे में 4 45,000। यहाँ पे आएगा बी के हिस्से के नहीं, बी के लाभ के अनुसार क्या दिया, लाभ के अनुसार पैंतालीस हजार डी के हिस्से की ख्याति आया, लेकिन वो ₹30,000 ही ख्याति लाया, बराबर। तो वो डी जो है वो रोकड़ में न लाए ख्याति, 45,000 माइनस 30,000 15,000। ओके, उसके बाद ख्याति का प्रीमियम प्लस बी के लाभ की ख्याति, चलो ख्याति का प्रीमियम है 45,000 प्लस उसके हिस्से की ख्याति बी के 5,000, तो 50,000 जो है जो ए और सी त्याग के प्रमाण में बांटेंगे। तो ए 50,000 गुणा 3 बटे 10 15,000, बी 50,000 गुणा 7 बटे 10 35,000। इसके बाद रोज नाम चाह लिखेंगे, तो सबसे पहले जो पुरानी ख्याति है पुरानी ख्याति 45,000 है, उसको पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों के बीच अपलिखित करेंगे। पहले तो ए के पूंजी खाते यहाँ पे स्थिर पूंजी खाता की पद्धति है, बराबर। तो ए के चालू खाते 15,000, बी के चालू खाते 10,000, 45,000 को पुराने अनुपात 3-2-4 में बांटेंगे, सी के चालू खाते उधार 20,000, ख्याति खाते का पैंतालीस हजार। इसके बाद सेकंड रोज नाम चाहूँगा के डी की पूंजी और उसके हिस्से की ख्याति पेटे 30,000 रोकड़ लाया, तो लिखेंगे रोकड़ खाते उधार 1,00,000, डी के पूंजी खाते का 70,000, ये 70,000 रोकड़ लाता है, उसका ख्याति का प्रीमियम खाते का 20,000। इसके बाद डी रोकड़ में लाए ख्याति और बी के हिस्से की ख्याति ए और बी
त्याग के प्रमाण में बांटेंगे उसका रुद्र अंतर। तो तीसरा ख्याति का प्रीमियम खाते उधार 30,000, डी के चालू खाते उधार 15,000, बी के चालू खाते उधार 5,000, ए के चालू खाते का 15,000 और सी के चालू खाते का 35,000। ओके, अगले वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे।